एक महत्वपूर्ण विषय अनुपस्थिति क्या है और यह किस प्रकार किसी उद्योग या प्रतिष्ठान को प्रभावित करता है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। भारतवर्ष के लिए यह एक बड़ी समस्या है। अगर कोई श्रमिक बिना सूचना दिए हुए कार्य पर नहीं आता है तो उसे अनुपस्थित कहा जाता है। भारतवर्ष में देखा जाता है कि श्रमिकों की संख्या अनुपस्थिति की ओर अग्रसर होता है, जिसके कारण किसी प्रतिष्ठान या उद्योग प्रभावित होता है और उस स्थिति में मालिक फिर दूसरे श्रमिक को बहाल कर लेता है, जिसके कारण उत्पादन पर असर होता है। एक और जो शुरू से श्रमिक कार्य करता है अनुपस्थित हो जाता है, जिससे उत्पादन कम होता है। दूसरी ओर मालिक दूसरे अकुशल श्रमिक को कार्य पर लगाता है, जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से देखा जाए तो श्रमिकों के कारण आज भी भारतवर्ष विकास की ओर पिछड़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि श्रमिकों को कार्य करना है, तभी उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो मालिकों के हक में अच्छा होगा, और जब मालिकों को अधिक मुनाफा होगा तो स्वाभाविक है कि श्रमिकों को भी मुनाफा होगा, जिससे मालिकों और श्रमिकों का विकास होगा, देश में उत्पादन बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होगी। उस उत्पादन को विनिमय कर इस तरह से उसे आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगा। लेकिन देखा जा रहा है कि भारतीय श्रमिक कभी कभी अनुपस्थित हो जाते हैं, जिससे उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और जैसा कि देखा गया है कि अनुपस्थित होने के कारण श्रमिकों पर भी प्रभाव पड़ता है, उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है, जिससे आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि अनुपस्थिति एक बहुत बड़ा समस्या है, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।